आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति ने किसी बैंक एनबीएफसी के थ्रू मानो एक मोबाइल फोन परचेज कर लिया ईएमआई पर, और उस व्यक्ति ने उस मोबाइल फोन की ईएमआई जो है वो टाइमली पे कर ली, या फिर किसी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ईएमआई पर व्यक्ति ने ले लिया और उसकी ईएमआई जो है वो टाइम से दे दी, तो बैंक और एनबीएफसी क्या करते हैं, उस व्यक्ति को काफी ऐसे ऑफर्स देने शुरू कर देते हैं कि भाई हम आपके लिए क्रेडिट कार्ड लेकर के आए हैं जो कि एकदम प्री अप्रूव्ड है, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, कि इसमें सैलरी स्लिप या आईटीआर वगैरह नहीं देना है। और कुछ बैंक और एनबीएफसी कहते हैं कि हम आपके लिए 2 लाख या फिर 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन इशू कर रहे हैं। इसकी जो तादाद है ना वो बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जब इनकी तादाद पूरी तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस सब चीजों को देखते हुए टेंशन में आ चुका है, क्योंकि इनमें डे बाय डे बढ़ोतरी हो रही है और इस डे बाय डे बढ़ोतरी से काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी हो सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है। तो इसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नियमों में बदलाव करने की सोच ली है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ये बैंक एनबीएफसी व्यक्ति को पर्सनल लोन देते हैं इसको आसानी से नहीं दे पाएंगे, और क्रेडिट कार्ड है वो भी अब ये आसानी से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं जैसा कि अगर कोई व्यक्ति पर्सनल लोन ले ले और उसको वो भुगतान करने में थोड़ी सी देरी कर दे तो क्या होता है, इसमें पूरे तरीके से खतरा होता है। मानो अगर उस व्यक्ति ने भुगतान करने में देरी कर दी या फिर उस व्यक्ति ने पूरे तरीके से उस लोन को डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक के पास में तो किसी प्रकार की कोई भी गारंटी वगैरह नहीं है, बैंक कैसे उसको रिकवर करेगा। अगर बैंक कानूनी तरीके से जाएगा तो वो फंसा, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस है, पूरे तरीके से ये लंबा चलेगा। और अगर 2 लाख 3 लाख के लिए बैंक पूरे तरीके से लीगल वे में जाने लगा तो बैंक की मुसीबत। अब बैंक और एनबीएफसी के पास में क्या है, वो आपका और हमारा पैसा है। आपने देखा होगा अगर पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो भी लोन लिए जाते हैं, अगर उनके इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो वो आप लोगों से अधिक लिया जाता है, क्योंकि उसमें रिस्क भी बहुत होता है। तो अब आरबीआई इस सब पर लगाम लगाने का सोच रहा है, तो काफी आरबीआई ने ये अच्छा कदम उठाया है। अगर आरबीआई इन पर पूरे तरीके से बैंक और एनबीएफसी पर इस प्रकार की लगाम लगा देता है तो इससे जो पर्सनल लोन है और क्रेडिट कार्ड वगैरह के द्वारा जो लोन दिए जा रहे हैं और जो क्रेडिट कार्ड इशू किए जा रहे हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर कोविड के बाद की बात की जाए तो जो पर्सनल लोन वगैरह है ये 7.87 के आसपास का था और अब ये 9.999 के आसपास हो रहा है, तो ये काफी ज्यादा मतलब बढ़ोतरी में आ रहे हैं, ये काफी ज्यादा दिए जा रहे हैं पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स। तो इनको पूरे तरीके से अब आरबीआई चाहता है कि ये बैंक और एनबीएफसी रुकें, और आगे से किसी भी व्यक्ति को अगर ये पर्सनल लोन दे रहे हैं या फिर किसी प्रकार कोई क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं तो उस व्यक्ति का बैकग्राउंड ये जो है वो अच्छे तरीके से चेकआउट करें, तब जाकर के किसी को भी पर्सनल लोन वगैरह प्रोवाइड कराएं या क्रेडिट कार्ड वगैरह प्रोवाइड कराएं। अच्छा, मेरे अनुसार तो मुझे लगता है कि आरबीआई ये ठीक कर रहा है, क्योंकि देखो आज की डेट में हमने देखा है अगर किसी व्यक्ति को पर्सनल लोन की आवश्यकता है तो व्यक्ति झटपट जाता है, पर्सनल लोन ले लेता है, चाहे उसको उस प्रोडक्ट की आवश्यकता ना हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या करता है, यार चलो छोड़ो ईएमआई पे तो है, 1,000-2,000 रुपए हम देंगे और ले लेते हैं। फिर व्यक्ति के सामने एक ऐसी समस्या क्रिएट हो जाती है जब ईएमआई डिफॉल्ट होना शुरू हो जाती है, तो पूरे तरीके से आरबीआई जो भी कर रहा है सही कर रहा है मेरी जानकारी के अनुसार, जो मुझे लगता है, जो मैं समझता हूं। क्योंकि देखिए, जो लोन को लेकर के मेरा मानना है, अगर आप किसी प्रकार का कोई भी पर्सनल लोन लेते हैं या फिर कोई आप प्रोडक्ट लेते हैं ईएमआई पर, तो उसको लेकर के तो यही है कि अगर आपकी इनकम में से 10% ईएमआई का अमाउंट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल व्यक्तियों की जो आमदनी है वो कम हो चुकी है और जो हम देखते हैं ईएमआई का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस लफड़े में व्यक्ति पड़ चुके हैं। तो आरबीआई के द्वारा जो इन बैंक और एनबीएफसी पर ये लगाम लगाई जा रही है, आप इस सब पर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो आज की यही बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है कि आरबीआई पूरे तरीके से इन बैंक और एनबीएफसी पर लगाम लगा सकता है और पर्सनल लोन और ये जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा रहे हैं अब ये शायद इतनी आसानी से किसी व्यक्ति को प्रोवाइड ना करा पाए। तो चलिए, पर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें,
अपनों का ख्याल रखें। अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा है आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, अच्छा नहीं लगा है वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दोस्तों आप ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं, क्योंकि देखो आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य हैं। अगर आपके सुझाव हमें मिलेंगे तो हम अपने कंटेंट को दिन प्रतिदिन बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे पर्सनल में बात करना चाहते हैं, हमसे सलाह लेना चाहते हैं, अपनी परेशानियां बता सकते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है। फिर अगर हमें लगेगा कि आपका लोन 1 लाख रुपए से कम का है, आपने किसी बैंक एनबीएफसी से लोन नहीं लिया, आपने किसी लोन ऐप के थ्रू लोन लिया है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग एडवाइस कर देंगे। अगर हमें लगता है कि ये आपका लोन जो है मतलब 1 लाख रुपए से ऊपर है और इस पे एक चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, हमारी मिनिमम फी पे करनी पड़ेगी, तो देखो वो हम आपको बता देंगे। तो टेलीफोनिकली आप हम लोग से अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और आपको गाइड हम कर देंगे। तो चलिए अब आप हमें इजाजत दीजिएगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।